ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर, ये हमारा थर्ड टाइप का एनकोडर है। इससे पहले हम टू टाइप के एनकोडर्स कर चुके हैं, तो इसमें हम करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। ऑक्टल का मीनिंग तो आप समझते ही हैं, जिसकी 8 इनपुट्स हो, ऑक्टल 0 to 8, और बाइनरी जीरोस और वन की फॉर्म में उसकी आउटपुट आएगी। इसीलिए आउटपुट को हमने B0, B1, B2 से डिनोट किया है। बाइनरी में आएगी ऑक्टल 0 से 7, यानी 8 इनपुट्स। जो उसका बेस होता है ऑक्टल का, वो 8 होता है, और जो कि 0 से 7 तक डिनोट किया जाता है। अब ये कैसे पता लगेगा कि हमारे नंबर ऑफ आउटपुट्स 3 ही आएंगी? देखिए, नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है, 8, तो 2 रेज टू पावर m, m शो करता है नंबर ऑफ आउटपुट्स को। m को हम कैसे लिख सकते हैं, log में, log बेस 2 8, 8 को 2 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं। अब 3 इधर आ जाएगा तो log 2 बेस, log बेस 2 2 रह जाएगा, जो कि इक्वल 1 के होगा। इस तरह से ये होगा हमारा इक्वल 1 के, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 3 के, यानी कि जो बाइनरी आउटपुट है वो 3 होगी, B0, B1, B2 से, जिसे डिनोट किया गया है। वैसे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहता कि 8 के लिए कितनी आउटपुट चाहिए, तो आप ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी है ये। और ये तो याद रहेगा, ये तो कॉमन है, वैसे तो ये याद रहता ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखिए, अब हम करेंगे इसकी टेबल। हमारे पास इनपुट क्या है, 0 से 7, जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जीरोस और वन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 0 से 7 हमारे इनपुट्स हैं। सबसे पहले इनपुट्स लिख लीजिए, इनपुट्स हमें पता है ऑक्टल है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 0 को बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, अगर वो आउटपुट पे आया तो 0 0 0, B0 भी 0 रहेगा, B1 भी 0 रहेगा, B2 भी 0 रहेगा। 1 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 0 1 0 0 1। 2 को कैसे लिख सकते हैं, 0 1 0। ये तो आपको पता ही लग गया होगा कि हम बाइनरी में किसी वर्ड को कैसे लिख सकते हैं। 3 को 0 1 1, 4 को 1 0 0 लिखेंगे, 5 को 1 0 1, 6 को 1 1 0, और 7 को 1 1 1। इस तरह से, यानी कि 7 जो कि B0, B1, B2 तीनों 1 होंगे, ये आएंगी हमारी आउटपुट किसी पर्टिकुलर डिजिट के लिए। तो ये होगी हमारी बाइनरी, जो 0 के और 1 की फॉर्म में होगी। ये है हमारी ऑक्टल, जो कि 0 से 7, ऑक्टल मतलब 8, 0 से 7 तक डिनोट के लिए। और बाइनरी, जिसको हम 3 बिट्स में लिखते हैं, ऑक्टल को जब भी बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ये याद रहे, 3 बिट्स में उसे लिखेंगे, क्योंकि ऑक्टल हमेशा 0 से 7 के बीच में होता है, और 7 को हम सिर्फ 1 1 1 से डिनोट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा चार्ट। अब इसमें B0, B1 और B2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले B2 की कैसे कैलकुलेट करनी है, ये देखना है कि B2 किस टाइम पे हाई है। देखिए, 0 पे 0 है तो ये नहीं लेंगे, 1 पे 0 है ये भी कैंसिल, 2 पे 0 है ये भी कैंसिल, 3 पे 0 है ये भी कैंसिल, 4 पे 1 है यानी हाई है, यानी 4 + 5 + 6 + 7, 4 + 5 + 6 + 7। अब B1 के लिए सेम, ये देखिए 2 + 3 + 6 + 7, सिर्फ 1 1 को लेंगे। अब किसके लिए, B0 के लिए, सारे ऑड वंस यानी कि 1 3 5 7, ये B2, B1 और B0 की वैल्यू आ गई। अब इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। हम जानते हैं 4 5 6 10 हमारी B2 की इनपुट्स हैं, और बीच में प्लस है, प्लस मतलब ओरिंग हो रही है। इसके लिए सबसे पहले हमें 8 लाइंस लेनी पड़ेंगी, जो कि ऑक्टल को शो करेंगे, 0 से 7 तक ऑक्टल को शो करेंगे, ठीक है ना। ये सारे लाइन, ये 0 के 1 2 3 4 5 6 7। अब B2 के लिए एक और गेट लेंगे, क्योंकि सब में प्लस है तो ओरिंग हो रही है, जिसकी इनपुट होगी 4 5 6 7, यानी 4 के साथ कनेक्ट होगा, 5 के साथ, 6 के साथ और 7 के साथ। इस तरह से 4 5 6 कनेक्ट है और गेट, इसकी इनपुट आउटपुट आएगी B2। B1 के लिए B1 2 3 6 7, 2 3, थर्ड इनपुट 6 और फोर्थ 7, ये इक्वल आएगा B1 के। और B0 1 3 5 7, यानी 1 ये 3, ये 5 और ये 7।
1357 आउटपुट आएगी B0। ये है इसका लॉजिक डायग्राम। ये है हमारा ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।